हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? दोस्तों, ये है प्रैक्टिस मैनुअल का क्वेश्चन नंबर 10, 11 एंड 12, और जिसके अंदर हम ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम को पढ़ेंगे, सप्लाई चेन मैनेजमेंट को पढ़ेंगे और कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट को हम आज इस टॉपिक के अंदर पढ़ने जा रहे हैं, जो कि हमारा पार्ट 4 ऑफ चैप्टर 4। ये है हमारी फ़िलहाल आईटी की सीरीज जो हमें देने वाली है 12 मार्क्स इन आवर एग्ज़ाम। दोस्तों, एक ही बात छोटी सी कहूँगा, ना आईटी टफ है, ना लॉ टफ है, ना ऑडिट टफ है। टफ सिर्फ आपकी मेंटेलिटी है जिसे आप चेंज करने के लिए रेडी नहीं हो। जिस दिन आपने चीज़ों को क्रिएटिव एंगल से देखना शुरू कर दिया, उस दिन से आपके चेहरे पे एक स्माइल आ जाएगी और दुनिया की सभी चीज़ें आपको ईजी नज़र आएगी। जिस दिन जो प्रोसेस ऑफ वर्क है इससे आपने लव करना शुरू कर दिया, उस दिन जिस दिन आपको अपने काम से प्यार हो गया, उस दिन आप लोगों से अलग हो जाओगे सर। आप 100 में से 95% में नहीं, 5% में आना शुरू कर दोगे। लोगों की प्रॉब्लम यह है कि वो जिस काम को करते हैं उससे उन्हें प्यार ही नहीं होता। वो बस एक चीज़ चाहते हैं, सक्सेस। वो बस एक ही चीज़ चाहते हैं, नेम, फेम एंड मनी। लेकिन उस प्रोसेस तक से प्यार ही करना नहीं चाहते जो प्रोसेस उन्हें ये सब दिलाने वाली है। तो भैया, जब आप कर्म करने के लिए तैयार ही नहीं हो, जो आप कर्म कर रहे हो उसमें अपना 100% लव, अट्रैक्शन, हार्डवर्क और डेडिकेशन देने के लिए तैयार ही नहीं हो, तो आपको ये सब क्यों मिलेगा? जरा गौर कीजिएगा मैंने आपसे क्या कहा। अगर बात समझ में आई हो तो एक लाइक एंड कमेंट के थ्रू अपना एक्सेप्टेशन जरूर दीजिएगा कि आपको मेरी बात समझ में आई। और दोस्तों, आप चैनल देख रहे हैं सीए ड्रीमर्स द एवेंजर। मैं इस चैनल का होस्ट और आप सबका दोस्त विनीत मिश्रा आप सभी का इस चैनल पे स्वागत करता हूँ। सर, आज का पहला टॉपिक है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम। ये क्या है आपको इसे समझना पड़ेगा। मान लो आज आपके अंदर 5 लोग काम करते हैं, आपको सबका नाम याद है। भैया, पहले का नाम है ए, दूसरे का बी, तीसरे का सी, डी, ई, एफ। आने टाइम वाले टाइम में आप जो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट पढ़ रहे हो, आईटी पढ़ रहे हो, इसके थ्रू आपका बिजनेस ग्रो हो गया। अब आपके पास 5 एम्प्लॉई नहीं है, 5,000 एम्प्लॉई है। अब आपकी समस्या ये है कि भैया, ये कब आते हैं, कब जाते हैं, कितना वर्क ये करते हैं, कितनी छुट्टियाँ ये लेते हैं और कितना प्रोडक्शन ये करते हैं, इनकी सैलरी कितनी है, इनका डीए कितना है, इनका बोनस कितना है, इनकी ग्रेचुटी कितनी है, इनकी पेंशन कितनी है, इनका रिट्रेचमेंट कंपनसेशन फंड कितना है, ये सब कितना है। इन सबको अगर आपको कैलकुलेट करना पड़े तो भैया, अगर एक बंदा लगा भी रहे ना तो भी सर 5,000 का कैलकुलेट करने के लिए उसको 30 दिन कम पड़ जाएंगे। तो इस जगह हमने फिर से इंसानों को रिप्लेस करके एक सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया जिसका नाम हमने रखा ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम, जो कि ओवरऑल ऑब्जर्वेशन, लुकिंग, एनालिसिस, मैनेजमेंट, रिपोर्टिंग सब करता है और फास्टर करता है इन कंपैरिजन टू अ पर्सन। ठीक है सर, समझ पा रहे हैं आपने ये सिस्टम क्यों इंट्रोड्यूस किया? अब जरा इसकी आईसीआई लैंग्वेज देखते हैं कि आईसीआई इसके लिए क्या लिखना चाहता है। सर, आईसीआई आपसे कहना चाहता है कि इट इज सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन। ये कैसा एप्लीकेशन है? एक सॉफ्टवेयर का एप्लीकेशन होगा, ठीक है सर, दैट कंबाइंस यानी वो बहुत सारी चीजों को अपने साथ जोड़ेगा। दैट कंबाइंस मैनी रिसोर्सेज फंक्शन, ठीक है, जितने भी रिसोर्सेज हैं और काम करने वाले रिसोर्सेज हैं उन सभी के फंक्शंस को आपस में क्या करने वाला है, कंबाइन करने वाला है टुगेदर। स्पेलिंग मिस्टेक हो रही है, मैं ठीक कर देता हूँ। टुगेदर विथ बेनिफिट्स एडमिनिस्ट्रेशन, पेरोल, रिक्रूटिंग एंड ट्रेनिंग। एंड परफॉर्मेंस एनालिसिस
एंड असेसमेंट इनटू वन पार्सल। मतलब पहले हमें ये सब काम करने के लिए अलग अलग लोगों को रखना होता था, अब इसमें हम क्या करने वाले हैं, हमें एक पार्सल के अंदर, वन पार्सल यानी एक पैकेज जिसका नाम एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है, हम उसको लगा देंगे तो हमारी लाइफ झिंगा लाला हो जाएगी। ठीक है, ये एनालाइज करके भी देगा, ये असेसमेंट करके भी देगा, किस चीज़ का, परफॉर्मेंस का। परफॉर्मेंस को एनालाइज मतलब कि ये भैया 8 घंटे काम तो कर तो रहा है, लेकिन क्या ये उतना प्रोडक्शन दे ही पा रहा है जितना 8 घंटे में निकलना चाहिए। 8 घंटे में 100 यूनिट बननी चाहिए और ये भाई साहब सिर्फ 20 यूनिट बना के जा रहे हैं, तो भैया क्या इनकी परफॉर्मेंस एनालाइज करने के बाद हमें पता चला, असेसमेंट करने के बाद पता चला कि ये परफॉर्मेंस नहीं दे रहे हैं, ये ऑर्गेनाइजेशन में 8 घंटे टाइम पास करते हैं। और वही ये बंदा अगर 8 घंटे लग के 150 यूनिट प्रोड्यूस कर रहा है तो हम कहेंगे ओ बिट्टी की, ये तो लोगों से 50% एक्स्ट्रा काम करके दे रहा है। दैट इज परफॉर्मेंस एनालिसिस एंड असेसमेंट। फिर इनको रिक्रूट करना, इनको ट्रेनिंग लेना, मतलब कि मान लो आपके पास 5 लोग आए, ठीक है, लेट सपोज आप 5 लोगों को CA टॉप फर्म, टॉप 4 फर्म में ज्वाइन करना है, तो आप सबने अपना बायोडाटा रिज्यूम अपलोड किया, अपलोड किया, अपलोड किया, अपलोड किया, अपलोड किया, और फाइनली जो सॉफ्टवेयर होगा वही आपको मेल करके रिस्पॉन्स दे देगा कि भैया सी आप आ जाओ, आप हमारे ऑर्गेनाइजेशन को सूट करते हो। ये होता है रिक्रूट करना। फिर इन सी भाई साहब को 2 से 4 मंथ की ट्रेनिंग दी जाएगी कि हाउ शुड बिहेव इन फ्रंट ऑफ क्लाइंट इन्वायरमेंट, और फिर इन्हें ऑडिट के लिए भेजा जाएगा। तो इन्हें क्या किया जाएगा, ट्रेन किया जाएगा, और ये भी एक कंप्यूटर एप्लीकेशन के थ्रू ही हम हैंडल करेंगे कि भैया इसकी ट्रेनिंग की प्रोसेस किस लेवल तक जा चुकी है, इसको कितनी ट्रेनिंग मिल चुकी है। इनका पेरोल, पेरोल का मतलब है सर सैलरी कैलकुलेशन जो होती है ना आपकी, सैलरी, DA, HRA, बोनस, ठीक है, कमीशन, जो भी आपको मिल रहा होता है ये होता है पेरोल। उसके बाद बेनिफिट एडमिनिस्ट्रेशन, यानी इनको जो फायदे दिए जा रहे हैं वो कैसे दिए जा रहे हैं, उसके बेसिस ऑफ कैलकुलेशन क्या है, ये सभी एक साथ करके देने वाला है कौन, एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन, ठीक है, और ये इन सभी रिसोर्सेस को एक साथ क्या करने वाला है, कंबाइन। बस सर इतनी सी आपकी लैंग्वेज थी ICI की, प्रैक्टिस मैनुअल की, जिसे आप बहुत टफ बोलते हो कि कीवर्ड याद नहीं होते, वर्ड्स याद नहीं होते, और फाइनली आपने मेरे साथ इसे 5 मिनट के अंदर याद कर लिया। सर इसमें एक पॉइंट आप और लिख सकते हो, इट रेफर्स टू सिस्टम एंड प्रोसेस, इट रेफर्स टू अ सिस्टम एंड प्रोसेस एट इंटरसेक्शन बिटवीन, एट इंटर इंटरसेक्शन बिटवीन ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एंड IT। मतलब ये क्या कर रहा है, ये एक ऐसा सिस्टम है जो जोड़ रहा है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के सिस्टम को और IT को, तो इसको हम क्या बोलते हैं, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम। दैट्स इट, हो गया। IT का दूसरा नाम हमने स्टार्टिंग में सीखा था, क्या बोलने वाले हम, सिस्टम, ठीक है। अब इसमें कुछ की मॉड्यूल्स हैं, क्या हैं, की मॉड्यूल्स, और ये बहुत इजी है, आपको इनमें खुद से लिखना है, आपके प्रैक्टिस मैनुअल में इसने 4 4 लाइन लिख दी है एक पॉइंट के अंदर, आपको इतना नहीं लिखना, आपको बस हेडिंग याद रखनी है, हेडिंग के अंदर आप 1 या 2 लाइन लिख देंगे तो भी चलेगा। सर पहला है वर्क फोर्स मैनेजमेंट, वर्क फोर्स मैनेजमेंट कि कितने लोग की आपको जरूरत पड़ेगी एक काम को करने के लिए। दूसरा है सर टाइम एंड अटेंडेंस, क्या, टाइम एंड अटेंडेंस, यानी इसका मतलब क्या हुआ कि कौन बंदा कब जाता है, कितने दिन काम करता है, कितने दिन की छुट्टियों पे रहने वाला है। सर उसके बाद है पेरोल मैनेजमेंट, क्या होता है पेरोल मैनेजमेंट, मतलब किसकी कितनी सैलरी बननी है, बोनस बनना है, कमीशन बनना है, किसको कितना पे करना है, उसको कैलकुलेशन को हम पेरोल मैनेजमेंट कहते हैं। सर फोर्थ होता है ट्रेनिंग मैनेजमेंट, मतलब किस बंदे को कितनी ट्रेनिंग की जरूरत है और उसका ट्रेनिंग का लेवल कितना परसेंटेज हो चुका है, कितना ट्रेन उसे किया जा सकता है, ये होता है ट्रेनिंग मैनेजमेंट। फिफ्थ वन इज कंपनसेशन मैनेजमेंट कि बंदे को कोई लॉस हो गया या आपके लिए वो ज़्यादा सेक्रीफाइस कर रहा है, हार्डवर्क कर रहा है, तो हम उसको कंपनसेशन भी पे करते हैं। सिक्स सर आपके पास है रिक्रूटमेंट मैनेजमेंट, यानी हम किसी भी ऐरे गैरे नथु खैरे को अपने ऑर्गेनाइजेशन में नहीं लाने वाले, हम उसे तभी लाएंगे जब वो हमारी ऑर्गेनाइजेशन को सूट करता है। सेवन पॉइंट सर पर्सोनल मैनेजमेंट, क्या, पर्सोनल मैनेजमेंट, पर्सोनल मैनेजमेंट क्या होता है,
कि वो बंदा और उसकी जो टीम है वो हमारी ऑर्गेनाइजेशन को उतनी इफिशेंसी से काम दे पा रही है जितना कि देना चाहिए, दैट इज पर्सनल मैनेजमेंट, कि आप उस टीम का इफेक्टिव यूटिलाइजेशन कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे हो। अगर आपके पास 10 बंदे काम कर रहे हैं और आप उससे 100 यूनिट नहीं बनवा पा रहे हो पूरे दिन में, तो आपका सुपरविजन खराब है। तो ये पर्सनल मैनेजमेंट भी कौन कर देता है आजकल? HRMS, इट्स अ सर ऑर्गेनाइजेशनल मैनेजमेंट, कि ऑर्गेनाइजेशन में क्या काम चल रहा है, कैसे चल रहा है, इसके बारे में सबको खबर है नहीं खबर है, सब डेडिकेशन के साथ काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, इसका काम भी कौन हैंडल करता है? HRMS। 9th पॉइंट है सर एम्प्लॉई एम्प्लॉई सेल्फ सर्विस। सर ये थोड़ा सा लोगों को नहीं समझ में आता है, इसकी मीनिंग ये होती है कि अगर एम्प्लॉय को मैनेजमेंट के साथ इंटरेक्ट करना है तो उसको बीच में वीडियो कॉल लोगों से बात करने की जरूरत नहीं है, वो डायरेक्ट HRMS में लॉग इन करेगा, पासवर्ड डालेगा जो भी उसको दिया गया है कंपनी के द्वारा, और डायरेक्ट मैनेजमेंट से वो अपनी कोई भी प्रॉब्लम को शेयर कर सकता है। एंड लास्ट वन इज एनालिटिक। इसका मतलब क्या होता है कि HRMS सॉफ्टवेयर जो होगा वो हमें रिपोर्टिंग करके भी देगा कि ओवरऑल हमारी परफॉर्मेंस कैसी रही। तो इसी के साथ सर आपका HRMS जो है वो समझ में आपको आ गया होगा। ये पॉइंट मैंने डिफाइन नहीं किए हैं लेकिन हेडिंग लिख दी है, हेडिंग के साथ मैंने इन्हें एक्सप्लेन भी किया है, तो जो भी मैंने इनके साथ बोला है उसकी एक लाइन की हिंदी आप सबके साथ लिख सकते हो और अपनी लैंग्वेज में इसे कन्वर्ट करके लिख सकते हो। एग्जाम में अगर आपको 10 पॉइंट याद ना हो तो कुछ जितने याद हो एटलीस्ट 5 या 8 जरूर लिख के आना, जितना ज़्यादा लिखोगे उतने अच्छे मार्क्स आपके एग्जाम में आएंगे। ठीक है सर। सर अब क्या हुआ, जैसे जैसे लोगों की इनकम बढ़ने लगी वैसे वैसे लोगों की डिमांड भी बढ़ने लगी। अब डिमांड बढ़ने लगी तो पहले जो एक छोटा सा शॉपकीपर होता था अपने टेंट लगा के वो मुश्किल से 10 कस्टमर हैंडल करता था, अब उसके पास 100 कस्टमर होने लगे। और ऐसे फिर जो छोटी छोटी कंपनियां थी वो फ्लिपकार्ट जैसी बड़ी कंपनियां बन गई। अब जब बड़ी कंपनियां बन रही हैं तो प्रॉब्लम ये आ रही है कि वो हर कस्टमर को इक्वल इंपॉर्टेंस कैसे दे, इसे भी इक्वल ट्रीट करना है, इसे भी इक्वल ट्रीट करना है, इसे भी इक्वल ट्रीट करना है और इसे भी इक्वल ट्रीट करना है। बात ये आ रही है कि सबको सेम इक्वलिटी चाहिए, सबको सेम इंपॉर्टेंस चाहिए, सबको सेम सर्विसेज चाहिए और सबको टाइमली डिलीवरी भी चाहिए। अब अगर हम किसी एक बंदे को जो कि मैनुअल वर्क करता है इस काम का, तो ये बायस हो सकता है, बुरा मत मानना, मान लो एक 18+ कोई गर्ल आई है, इस बंदे को ट्रीट करने का तरीका इसका अलग होगा, वहीं पे एक 22 साल का लड़का आया है इसको ये अलग ट्रीट करेगा बेशक इसकी एज कुछ भी हो, या वही कोई अंटी आई है जिनकी एज 35 to 45 है इसको ये अलग ट्रीट करेगा। यानी ये कस्टमर को डील करते समय बायस हो जाता है। ठीक है सर। इसकी नज़रें धोखा खाने लगती हैं और वही कोई 44 साल के अंकल आएंगे तो ये इसे अलग ट्रीट करेगा। तो इस चीज़ को ऊपर उठने के लिए कि हमारे सारे कस्टमर को इक्वल ट्रीटमेंट मिले, इक्वल इंपॉर्टेंस मिले, इक्वल सर्विसेज मिले, टाइमली डिलीवरी सबको मिले, हमने क्या किया, कस्टमर के साथ रिलेशन बनाना चाहा। क्या किया? कस्टमर के साथ रिलेशन बनाना चाहा और इस कस्टमर के साथ जो रिलेशन बनाए हैं इसको हम मैनेज करना चाहते हैं। क्या करना चाहते हैं? मैनेज मैनेज करना चाहते हैं। तो ओवरऑल हमने इस समस्या का समाधान एक नए सिस्टम से निकाला जिसका नाम रखा हमने CRM, कस्टमर रिलेशन मैनेजमेंट। सर ये क्या कहता है? ये कहता है मेरी तो दोस्त कहानी आप तुमसे मेरे साथ खत्म और इसमें तुमसे आगे शुरू। कंटिन्यू कर सकते हैं प्रैक्टिस मैनुअल की लैंग्वेज के साथ, कि बिजनेस प्रोसेस एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें कि हम क्लाइंट के साथ रिलेशनशिप जो होती है उसको हम क्या करते हैं, क्लाइंट के साथ जो रिलेशनशिप होती है और क्लाइंट के साथ जो कस्टमर लॉयल्टी होती है, क्या होती है? कस्टमर लॉयल्टी। ठीक है सर। और उसकी जो ब्रांड वैल्यू होती है उसको हम बनाए रखने के लिए अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटजी को लगाए रखने के लिए और सभी एक्टिविटीज को मेंटेन रखने के लिए हम क्या करते हैं, हम अप्लाई करते हैं CRM। यानी CRM हुआ क्या? तो इसको आप दूसरे शब्दों में कह सकते हो कि भैया मार्केटिंग स्ट्रेटजी को अप्लाई रखना है और कंपनी की एक्टिविटीज़ को भी बनाए रखना है, तो अगर हमें ये करना है तो हमें अपनी ब्रांड वैल्यू पे बहुत ज़्यादा वर्क करना होगा, जिसके लिए हमें कस्टमर की लॉयल्टी का, कस्टमर के देखरेख का, कस्टमर की खुशी का ख्याल रखना होगा
और कस्टमर के साथ क्लाइंट के साथ अच्छा रिलेशनशिप बनाए रखना होता था। जब मैं 11th क्लास में आया था और मैंने फर्स्ट टाइम गुडविल पढ़ा था, तो मेरे मास्टर थे श्याम त्रिपाठी, है ना, श्री श्याम त्रिपाठी सर। और उन्होंने गुडविल में एक चीज़ सिखाई थी कि देखो, जब कोई पुराना कस्टमर, क्या जब कोई पुराना कस्टमर पुरानी दुकान पे वापस जाता है, क्या करता है, पुरानी दुकान पे ही वापस जाता है, तो हम उसकी गुडविल कहते हैं। वैसे तो उस समय के लिए अभी देखें तो ये गलत है, लेकिन फिर भी काफ़ी हद तक उन्होंने सही समझाया कि गुडविल का मतलब क्या है, जब पुराना कस्टमर पुरानी दुकान पे जाए, तो वो इसी को हम क्या कहते हैं, क्लाइंट रिलेशनशिप। क्या कहते हैं, क्लाइंट रिलेशनशिप। और कस्टमर लॉयल्टी क्या है, कि उसकी खुशी का ख्याल रखते हुए उसे प्रोडक्ट देना, क्या उसकी खुशी का ख्याल रखते हुए कि वो किस चीज़ से सेटिस्फाइड होने वाला है, वो चीज़ जब हम उसे देते हैं, तो इससे हमारी क्या बनती है, ब्रांड वैल्यू। और ये बनाए रखने के लिए हमें मार्केटिंग स्ट्रेटजीज और एक्टिविटीज़ को इम्प्लीमेंट करते रहना होता है। ठीक है सर, ओके, फिर आप इसमें क्या कह सकते हो? तो सर, आपके एक भैया थे ग्रीनबर्ग, क्या नाम थे, ग्रीनबर्ग, उन्होंने एक डेफिनेशन दी, CRM मस्ट एस्टेब्लिश बिजनेस स्ट्रेटेजी विच ड्राइव्स ट्रांसफॉर्मेशन इन दी बिजनेस एंड इन्फ्लुएंस एंड इन्फ्लुएंसेस वर्क प्रोसेसेस। दीज प्रोसेस आर इनेबल्ड, दीज प्रोसेस आर इनेबल्ड बाय IT। सर ये क्या कह गए, बड़े बुजुर्ग साहब, ध्यान से सुनना सर, वैसे याद नहीं होगी तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये मैंने आपको नॉलेज के लिए लिखवा दिया है और ये आपके ICI के लिए लिखवा दिया है। सर, CRM मस्ट एस्टेब्लिश बिजनेस स्ट्रेटजी, मतलब CRM क्या है, ताकि आप अपनी बिजनेस स्ट्रेटजी को लगा पाओ, इम्प्लीमेंट करवा पाओ IT के थ्रू, ये है हमारा CRM। विच ड्राइव्स, क्या करता है ये ट्रांसफॉर्मेशन करता है इन द बिजनेस, यानी ये बिजनेस की स्ट्रेटजी को ट्रांसफॉर्म करवाता है बिजनेस के अंदर, यानी दूसरे शब्दों में कहूँ तो बिजनेस स्ट्रेटजी को बिजनेस में लाने के लिए हम CRM का यूज़ कर रहे हैं, जो कि एक IT की सिस्टम का एक पार्ट है। एंड इन्फ्लुएंसेस वर्क प्रोसेस, जिससे हमारी जो काम करने का जो तरीका है, जो प्रणाली है, वो क्या होने वाली है, इन्फ्लुएंस। ठीक है, दीज प्रोसेस आर इनेबल्ड बाय IT, और ये सारा का काम कैसे होने वाला है, IT के थ्रू होने वाला है। याद हो गई तो अच्छी बात, नहीं हो गई तो इग्नोर मारो, इस पे 100% फोकस करना और ये एग्जाम में पक्का लिख के आना। सर एक छोटा सा क्वेश्चन इसमें और बन जाता है, और वो क्वेश्चन ये है कि बेनिफिट ऑफ CRM, कि कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट के फायदे क्या क्या होते हैं। तो मैं कुछ पॉइंट्स आपको लिखवा दे रहा हूँ, और ये एग्जाम में लिखना ही लिखना है, बाकी आप प्रैक्टिस में पढ़ोगे तो आपको और स्टैंडिंग क्लियर होगी, बट एटलीस्ट ये जरूर लिख के आना। सर आप इसमें लिख सकते हो जनरेटिंग जनरेटिंग कस्टमर लॉयल्टी, इन द सेंस कस्टमर की लॉयल्टी जन्म लेती है कि यार ये बंदा हमारा बहुत ख्याल रखता है, हमारे अकॉर्डिंग ही प्रोडक्ट देखता है, हमें खुश रखता है, तो हमें हमेशा इसी के पास जाना चाहिए, जिससे हमारे रिलेशनशिप्स क्या होती है, हमारी जो रिश्तेदारी होती है कस्टमर के साथ, वो इम्प्रूव होती है। दूसरा सर आप लिख सकते हो कि इससे हमारे कनेक्शन बढ़ते हैं। ठीक है, कनेक्शन कैसे बढ़ते हैं, डेवलपिंग कनेक्शंस, कि जब एक कस्टमर खुश होके गया है तो वो दूसरे कस्टमर को भी बुला के लाता है कि भाई चल वहाँ चल, वो बंदा बहुत अच्छा सामान देता है। थर्ड आप सर क्या कह सकते हो कि इसमें आप क्या कर सकते हो, आप इसके लिए थोड़ा टफ लैंग्वेज है, लिखता हूँ मैं आपके लिए, CRM एप्लीकेशन स्मूथन प्रोग्रेस टू कैप्चर कंसोलिडेट एनालिसिस एंड एंटरप्राइज
डिसेमिनेशन ऑफ डाटा फ्रॉम एग्जिस्टिंग एंड पोटेंशियल कस्टमर। सर इसका मतलब क्या हुआ, मतलब समझा दे रहा हूँ मैं आपको हिंदी में कि लेट सपोज अभी आप, मैं जैसे बुक्स बहुत ज़्यादा पढ़ता हूँ अलग अलग राइटर्स की, तो मैं क्या करता हूँ बुक्स वगैरह देखता रहता हूँ, तो फ्लिपकार्ट को पता चल जाता है कि यार ये बंदा ना ये वाली बुक बहुत देखता है, तो अगर कभी भी मार्केट में उस राइटर की कोई न्यू बुक लॉन्च होती है या फिर एग्जिस्टिंग बुक का अगर प्राइस जो होता है वो डाउन होता है, तो मेरे पास तुरंत मेल आ जाता है कि सर आपके लिए एक ऑफ़र है, आपको ये बुक नई वाली मिल सकती है सबसे पहले, या फिर कम रेट में ये वाली बुक मिल सकती है। तो ये क्या करता है, ये हमारी इंटरप्राइज जो होती है उसे डिसेमिनेशंस ऑफ डाटा, यानी वो डाटा को इस तरीके से एनालाइज करता है कि वो एग्जिस्टिंग पोटेंशियल कस्टमर को, क्या जो एग्जिस्टिंग हमारे पोटेंशियल कस्टमर हैं, ये पोटेंशियल लिखने की कोशिश की है, कुछ ना समझ में आ रहा हो तो आप लिख लेना, पोटेंशियल लिखा है मैंने, ठीक है, पोटेंशियल जो हमारे कस्टमर है उनको बनाए रखने में हमें हेल्प करता है, और ये क्या करता है उस डाटा को इकट्ठा रखता है और एनालाइज करता रहता है कि ये फाइनली कस्टमर हमसे चाहता क्या है, और उस टाइप की ही गुड्स और सर्विसेज को ये आपको बार बार नोटिफाइड करेगा, सर आपके लिए एक ऑफर है, सर आपके लिए एक ऑफर है, सर आपके लिए एक ऑफर है। इसे इस थर्ड पॉइंट में डिस्क्राइब किया गया है। सर इसी में आपके साथ एक और पॉइंट आपको पढ़ना है जिसका नाम है सप्लाई चैन मैनेजमेंट। क्या है सप्लाई चैन मैनेजमेंट? सर आप कहोगे अभी तो आपने CRM पढ़ाया, अब ये SCM पढ़ा रहे हो आप, ये क्या है? तो सर देखो ये कहता है कस्टमर के साथ रिलेशनशिप बनाओ, लेकिन कस्टमर तक आप अपना गुड्स जो है वो भेजोगे कैसे? तो इसके लिए सप्लाई चैन मैनेजमेंट को लाया गया। सर एक ट्रक ले लेते ना, ट्रक में लोड करके सामान हम क्या कर देंगे, भिजवा देंगे यहाँ तक। सर आप भिजवा तो दोगे लेकिन इसकी रिपोर्टिंग कैसे करवाओगे? रिपोर्टिंग की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है कि अगर आप ए बी सी डी अगर इंसानों को रखोगे ना और इससे पूछोगे भाई सामान कहाँ तक आएगा, ये कहेगा मुझे नहीं पता, बी से पूछो, बी से बोलेगा मुझे नहीं पता, सी से पूछो, सी बोलेगा मुझे नहीं पता, डी से पूछो, डी बोलेगा मुझे नहीं पता। अबे नालायको तुम चारों को रखा है तुम्हें ही नहीं पता है, तो क्या अल्लाह दिन और उसके चिराग को पता होगा? नहीं समझे आप? तो इस सिस्टम को ठीक करने के लिए ताकि कस्टमर को उसके प्रोडक्ट की अपडेशन टाइम से टाइम मिलता रहे, जैसे फ्लिपकार्ट वाला आपको हमेशा बताएगा सर यहाँ तक प्रोडक्ट पहुँच गया, सर यहाँ तक पहुँच गया, सर यहाँ तक पहुँच गया, सर आज आप घर पे रहना, मैसेज आता है सर घर पे रहना, आज आपका प्रोडक्ट आउट ऑफ डिलीवरी हो गया है, आपके घर पे पहुँचने वाला है। ये सारे काम कौन करता है? SCM, ठीक है सर। अगर आप इसे लिखना चाहो तो आप इसमें लिख सकते हो SCM इज द चैन, SCM इज द चैन दैट starts with customer, that start with customer and ends with customer, ठीक है, यानी कस्टमर की खुशी के लिए, कस्टमर की लॉयल्टी बनाए रखने के लिए कस्टमर से ही ये चैन शुरू होती है और कस्टमर पे ही जाके खत्म होती है। फिर सर आप इसे आगे भी इंक्रीज कर सकते हो मार्क्स बढ़ाने के लिए। सर आप इसमें आगे लिख सकते हो ICI को अपने मार्क्स शो करने के लिए कि इट इज़ प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, प्लानिंग इम्प्लीमेंटेशन लिख दो सर इसके लिए, एंड कंट्रोलिंग ऑपरेशंस, कंट्रोलिंग ऑपरेशंस ऑफ सप्लाई चैन विथ पर्पस ऑफ सेटिस्फाइंग कस्टमर्स रिक्वायरमेंट एज इफिशियंटली एज पॉसिबल। अब मुझे पता है आप में से बहुत कोई बात समझ में नहीं आई होगी, तो कोई बात नहीं, मैं हूं ना
स्टार्ट करो समझाना। सर देखो ये कह रहा है एक प्रोसेस है, सीआरएम क्या है, एक प्रोसेस है जिसमें हमें प्लानिंग करनी पड़ती है। सर सामान को पहुंचाने के लिए भी प्लानिंग की जरूरत पड़ती है, मजाक चल रहा है क्या? सर देखो कई बार आप रास्ते में होते हो और आपके पापा पूछते बेटा कहाँ पे है, तो आप क्या कहते हो, अरे पापा बस ऑटो में बैठ के पहुंचने वाला हूँ 10 मिनट, बस 10 मिनट। आपको पता है कि अभी 1 घंटा लगने वाला है, फिर भी आप बोलते हो 10 मिनट 10 मिनट। ये क्या है, एक प्लानिंग है ताकि आप सामने वाले को खुश कर सको, एक प्लानिंग है। और इसे इम्प्लीमेंटेशन कैसे किया जाए, लेट सपोज आपका और मतलब कि क्लाइंट का घर आपके ऑफिस से 100 किलोमीटर दूर है, तो ये प्लानिंग है कि मैं इसे कैसे पहुंचाऊं, ट्रक के थ्रू पहुंचाऊं, रेलवे के थ्रू पहुंचाऊं, एयरलाइन के थ्रू पहुंचाऊं, कैसे इस तक पहुंचाऊं, प्लानिंग। फिर इसको इम्प्लीमेंट करवाना है कि भैया कैसे पहुंचाऊं, तो इसको क्या करना पड़ेगा, इस प्लानिंग को एग्जीक्यूट करना पड़ेगा एक्शन के थ्रू, एंड कंट्रोलिंग ऑपरेशंस टाइम टू टाइम कंट्रोल करना पड़ेगा क्योंकि बीच बीच में समस्याएं आएंगी। किसकी समस्याएं हैं, ये सारी समस्याएं हैं सप्लाई चेन से रिलेटेड की, कि हमें फाइनली सप्लाई कैसे पहुंचानी है कस्टमर तक विथ पर्पस ऑफ सेटिस्फाइंग कस्टमर, क्योंकि हमारा उद्देश्य क्या है कि हम कस्टमर को क्या कर सके, खुशी दे सके, उसको सेटिस्फाई दे सके। ऐसा ना हो कि बीच में ही जो आपका गुड्स था वो डिस्ट्रॉय हो गया या फिर उसमें कुछ डैमेज आ गए, तो फिर वो कस्टमर सेटिस्फाई नहीं होगा, वो कहेगा कि आगे से आपसे सामान ही नहीं मंगाना। ठीक है सर, रिक्वायरमेंट एज इफिशियंटली एज पॉसिबल, और कस्टमर को खुश करने के लिए उसकी जो रिक्वायरमेंट थी वो हमें इफिशियंटली, इफिशियंटली मतलब है सही समय पे सही तरीके से सही काम को अंजाम देना, दोबारा से सही तरीके से सही काम को सही समय पे अंजाम देना इफिशियंटली, हमें क्या करना है एज पॉसिबल जितनी जल्दी हो सके, ये सारा काम कौन करने वाला है, सीआरएम। सर इसी में इससे कुछ कंपोनेंट्स आते हैं, अभी तो एग्जाम में नहीं पूछा गया है लेकिन पूछा जा सकता है, आईसीआई का कोई भरोसा नहीं। सर चार वर्ड है आपको ध्यान रखना है। सर पहला इसमें आपको वर्ड याद रखना है कि भैया परचेजिंग, क्या परचेजिंग, परचेजिंग मतलब प्रोक्योरमेंट भी कुछ लोग कहते हैं, कि भैया हमें टाइम पे परचेज करना है और सही बंदे से परचेज करना है जो हमें सही क्वालिटी का प्रोडक्ट देने वाला है। दूसरा सर ऑपरेशंस, आपको ऑपरेशंस का ख्याल रखना है, ऑपरेशंस में आपको क्या ख्याल रखना है कि भैया हमारी पैकिंग एंड असेंबली अच्छे से हो, कहीं ऐसा ना हो कि रास्ते में वो हमारा जो गुड्स है वो टूट फूट जाए। थर्ड सर आपको डिस्ट्रीब्यूशन का ख्याल रखना है, किसका ख्याल रखना है, डिस्ट्रीब्यूशन का। डिस्ट्रीब्यूशन में सर आपको क्या ख्याल रखना है कि आपकी वेयर हाउसिंग सही से हो रही है कि नहीं हो रही है, और आपके कस्टमर तक टाइमली सामान जा रहा है या नहीं जा रहा है। और फोर्थ जो मेन काम सीआरएम करने वाला है वो है इंटीग्रेशन, क्या इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन मतलब इन तीनों कामों की निगरानी रखना और कस्टमर को रिपोर्ट देते रहना कि सर आपका गुड्स यहाँ तक पहुँच चुका है, सर आपका गुड्स शिप हो चुका है, सर आपका गुड्स अप्रूव हो चुका है, सर आपका गुड्स यहाँ पहुँच चुका है। तो ओवरऑल रिपोर्टिंग का काम किसका होता है, सीआरएम का होता है। तो सर ओवरऑल तीन टॉपिक बताने थे, मैंने बता दिया आपको क्वेश्चन नंबर 10, 11 एंड 12। अब आपका काम है एक बार इसे अच्छे से रीडिंग देना और एग्जाम में इसे परफेक्शन के साथ लिख के आना। वीडियो पसंद आया हो तो सर एक लाइक एंड एक कमेंट जरूर करिएगा। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर एंड बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।